दुकान पे गाड़ी वगैरह आज किसी भी हालत में अपन को लेके चलनी है। ब्लॉक को जो है 3 दिन लग चुके हैं, तो अपनी गलती नहीं थी। 1.5 महीने से एक ही जगह पे खड़ी है, देख सकते हैं कितनी गंदी यहाँ पे हो रही है। मोनी के चैनल पे पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक ही ब्लॉक में जो है 3 दिन यहाँ पे लग रहे हैं। अपन के घर बीच में फंस गए, जिसकी चीज होती है, जिसका मेन मुद्दा होता है ना डूड, वही फंसता है। बैक टू द न्यू एपिसोड। आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है अशोक गार्डन से। अपने साथ है सौरभ। अशोक गार्डन से निकलते हुए अपन चल रहे हैं आइस बीडी, जहाँ पे नोनी की कार खड़ी है, जिसको जो है 1 महीने के ऊपर हो चुका है। अपनी वीडियो जो है आज की कार के ऊपर होने वाली है, उम्मीद करता आपको पसंद आएगी। तो यहाँ से चलते अपन आइस बीडी, वहाँ पे देखते हैं गाड़ी की क्या कंडीशन है, चलते हैं अपनी कार उठाते हैं, अच्छे से अच्छी आज की वीडियो आप सभी को बना के दिखाते हैं। तो चलिए कार के पास, मतलब कि आइस बीडी। ये रही अपनी कार, जो कि 1.5 महीने से एक ही जगह पे खड़ी है, देख सकते हैं कितनी गंदी यहाँ पे हो रही है। बैकग्राउंड में हर्ष हो रहा है, जो कि अद्दी से पेट्रोल डाला जा रहा है अपनी कार के अंदर। अब आगे क्या प्रोसेस? थोड़ा सा पेट्रोल और बचा हुआ, पेट्रोल वगैरह इसमें फिल करेंगे, भैया का पेमेंट वगैरह डन करेंगे। फिलहाल आप गाड़ी की कंडीशन देख सकते हैं कैसी हो रही है। 1.5 महीने से एक ही जगह पे गाड़ी खड़ी है, ये चेक करें, मतलब धूल ऐसी हो गई है कि धूल हिल भी नहीं रही है। तो इसको सबसे पहले अपन करवाएंगे वॉश, जो कि पेट्रोल पंप है, सामने वॉशिंग सेंटर है। तो यहाँ से भैया को पेमेंट वगैरह डन करके, सारी बातचीत करके, यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करके अपन चलेंगे सामने पेट्रोल पंप पे, वहाँ पे पेट्रोल भी थोड़ा सा फिल करा लेंगे, देन वहीं पर जो है अपन अपनी गाड़ी को वॉश भी करवा लेंगे, देन यहाँ से निकलेंगे डायरेक्ट घर। तो आज फाइनली 1.5 महीने बाद नोनी की कार वापस आ गई है, जो कि इस हालत में मैंने सोची नहीं थी ऐसी कभी अपनी गाड़ी की हालत होगी, जिसको अपन धीरे धीरे करके सही करवा लेंगे कुछ ही दिन में। फिलहाल वगैरह इसको स्टार्ट करते हैं, भैया को पेंट वगैरह डन करते हैं, देन यहाँ से थोड़ी देर में निकलेंगे। जैसा भी होगा इस वीडियो को थोड़ी देर में नोनी करेगा कंटिन्यू यहीं से। तो चलिए ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। फाइनली अपनी गाड़ी जो है 1.5 महीने बाद यहाँ पे, 1 या 1.5 महीने बाद स्टार्ट होने वाली है। भैया ने यहाँ पे जो है बैटरी वगैरह लगा दी है, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं। तो भैया अंदर बैठे, सेल्फ वगैरह मारते हैं, स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। बैटरी में ज़्यादा पावर नहीं है ना भैया, ऐसा कुछ है? आप भी ठीक करके देता हूँ। One hour later. बहुत कोशिश करी गाड़ी को स्टार्ट करने की, गाड़ी तो स्टार्ट हुई नहीं। और अपने साथ यहाँ पे आ चुका है हर्ष। और हर्ष क्या सीन है, क्या करे भाई? यहाँ पे लग रही है भूख, तो चाउमीन ड्राई कुछ भी यहाँ पे मिलता है ATC, तो अपन वो यहाँ पे खाते हैं। देन संतोष भैया आ रहे हैं बैटरी वगैरह लेके, वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। अपन से तो हो नहीं रही है, संतोष भैया स्टार्ट करेंगे, देन यहाँ से मूव करेंगे लोकेशन से, एंड गाड़ी वगैरह जो है घर लेके चलेंगे। फिलहाल चलते हैं अपन यहाँ पे आसपास कुछ खाने का देखते हैं, वहाँ पे कुछ खाते हैं, देन वापस आ जाएंगे दुकान, संतोष भैया के साथ इस वीडियो को करेंगे कंटिन्यू। तो चलिए खाया गौतम नगर में ड्राई और चाउमीन, तो चाउमीन का टेस्ट काफी प्यारा था। अभी जस्ट अपने पास संतोष जी का फोन आया, जो कि गाड़ी के पास पहुंच चुके हैं। तो अपन वापस चल रहे हैं दुकान पे, गाड़ी वगैरह आज किसी भी हालत में अपन को लेके चलनी है। चलते हैं दुकान पे गाड़ी के पास, भैया से मिलते हैं, बातचीत करवाते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, एंड अच्छी से अच्छी आज की गाड़ी के ऊपर वीडियो बना के आप सभी को दिखाते हैं। तो चलिए गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द सेम एपिसोड। तो कल वाला ब्लॉग अधूरा, जिसको नोनी करेगा आज पूरा। मतलब कल जब आपने देखा था कि गाड़ी जो है स्टार्ट हो गई थी, आगे पीछे हो रही थी, 3 से 4 ऐसे काम थे जो कि हुए नहीं थे, जैसे कि बम्पर हो गई, हेडलाइट हो गई, वो सेट होना है, एंड ब्रेकिंग से रिलेटेड, और लास्ट अपना काम था RPM, जो कि रेस थोड़ी सी बढ़ी थी। तो संतोष भैया ने अपन को बोला था अभी गाड़ी यहीं पर रहने दो, कल सुबह मैं आऊँगा उसको लेकर चले आऊँगा, वॉश करवा लूँगा, देन इसमें 2-3 जो भी काम है वो अपन करवा लेंगे, फिर जो है आप अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं। तो अभी जो है 2:30 बज चुके हैं, फटाफट चलते रेडी होते चलेंगे संतोष भाई की दुकान पे। आज फाइनली नोनी की कार वापस आने वाली है, तो बहुत खुशी है। तो संतोष भाई की दुकान पे चलेंगे अच्छे से अच्छी, कल की वीडियो इनकम्प्लीट है उसको करेंगे आज अपन कम्प्लीट। तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट संतोष भाई की दुकान पे। वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए मेन से मेन पार्ट शूट करके एड करके आज वाली वीडियो में दिखाऊंगा, उम्मीद करता आपको पसंद आएंगे। तो चलिए संतोष भाई की दुकान पर चलते हैं, अच्छे से अच्छी वीडियो बना के आप सभी को दिखाते हैं। तो चलिए Thank you.
यहाँ पे जो अपनी गाड़ी का काम कंप्लीट हो चुका है। बैकग्राउंड में रही अपनी गाड़ी, जिसमें कल बम्पर और हेडलाइट सेट नहीं थे, आरपीएम सेट करना था, दूसरे तीन काम जो है नोनी ने बताया था जो हो जाएंगे, जिसकी वजह से आज अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं। तो जस्ट अभी भैया से बातचीत करने के बाद यहाँ पे जो अपनी गाड़ी का काम कंप्लीट हो चुका है, बम्पर और हेडलाइट जो थे वो सेट हो चुके हैं, आरपीएम भी सेट हो चुका है, सब कुछ सेट है, बस गाड़ी को वॉश करवाएंगे थोड़ी देर में यहाँ से निकलने के बाद। तो भैया को पेंट वेमेंट डन करते हैं, देन यहाँ से निकलते हैं, गाड़ी निकालते हैं, एंड जैसे भी सीन होता अपनी गाड़ी आज फाइनली, अभी टाइम बताऊँगा तो आपको 6 बजने वाले, तो ज़्यादा अंधेरा हो उससे पहले अपन पहुँच जाएंगे अपने घर अपनी गाड़ी को लेकर। तो देखते हैं कैसे क्या सीन रहता है, फिलहाल थोड़ी देर में बातचीत करवाने के बाद, पेमेंट वगैरह डन करवाने के बाद यहाँ से निकलेगा नानी अपनी गाड़ी के ऊपर, अच्छे से अच्छी वीडियो बना के आप सभी को दिखाएगा। तो चलिए 2 hours later. गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द सेम एपिसोड। तो नोनी के चैनल पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक ही ब्लॉग में जो है 3 दिन यहाँ पे लग रहे हैं, अपनी कार में जो है 3 दिन लग चुके हैं, 20 तारीख हो चुके हैं, दिन के जो है यहाँ पे 1:30 बज चुके। जैसे कि आपने लास्ट क्लिप देखी थी, कार जो है सुनील की दुकान पर आ चुकी है, आईएसबीटी से भी अपने हटवा ली थी, देन अपन एमपी नगर लेके गए थे। तो कल एमपी नगर से भी नोनी शाम को लेके आ चुका है, सुनील की दुकान पर गाड़ी खड़ी है जिसको वॉश करवाना है, एंड मेजर एक दो काम है छोटे छोटे जो सुनील करेगा, तो अपनी जो है गाड़ी आज फाइनली आ जाएगी। इसमें गलती अपनी नहीं है, किसी और की है, तो ज्यादा बात उसके लिए इस वीडियो में बोलना नहीं चाहता। फिलहाल 1:30 बज चुके हैं, सुनील की दुकान पर गाड़ी खड़ी कर दी थी मैंने, जो है सुनील को बता दिया था भाई इसमें ऐसे ऐसे काम है तू देख लेना, तो मैं जब भी उठूंगा तो तेरे पास आ जाऊंगा। बट नोनी के चैनल पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि 3 दिन में एक ब्लॉग शूट हो रहा है, गलती अपनी नहीं है, कहीं ना कहीं एक मैकेनिक की गलती है, कहीं ना कहीं एक दूसरे बंदे की गलती है, अपन क्या करें बीच में फंस गया। जिसकी चीज़ होती है, जिसका मेन मुद्दा होता है ना डूड, वही फंसता है, किसी का कुछ नहीं जाता, पहले तो सब हाथ ऊपर कर देते हैं, मैं हूँ, आखिरी में सब पीछे हट जाते हैं, और जिसकी चीज़ होती है ना उसको खुद निपटना पड़ता है। यहाँ पे सेम सिचुएशन है, नोनी की कार है तो नोनी को ही सब कुछ झेलना पड़ रहा है। फिलहाल पहले तो सबने बोल दिया कि हम दे देंगे, तो पीछे सब हट गए, एंड टाइम पे क्या हुआ मेरी गाड़ी हो, मेरे को ही करवाना है, तो उन सब बातों का कोई सेंस भी नहीं बनता है, जो जैसे करेगा वो वैसे करेगा। मैं तो मुँह पर बोलता हूँ कल लोग कितना गलत करोगे, सब निकल जाएगा यहीं कहीं निकल जाएगा। तो फिलहाल इन सब बातों को ना करते हुए अपन चलते हैं डायरेक्ट यहाँ से सुनील की दुकान में, भी नहीं सुनील की दुकान नहीं चलेंगे, अपन चलेंगे सेफिया कॉलेज, बिकॉज अपन को लेना है कार के इंडिकेटर, तो 2 साइड के इंडिकेटर परचेस करना है, जो कि अपन सेफिया कॉलेज से हिंदुस्तान ऑटो पार्ट्स वाली दुकान से करेंगे, वो इंडिकेटर परचेस करेंगे, देन अपन चलेंगे सुनील की दुकान पर, इंडिकेटर फटाफट वो सेट कर देगा, उसमें पावर स्टेयरिंग की जो भी रबड़ लगती है वो सुनील को लगाना है, एंड गाड़ी जो है हल्की सी बबलिंग कर रही है, ये 2 काम है सुनील का देगा, देन गाड़ी वॉश हो जाएगी और गाड़ी आज अपने घर आ जाएगी। तो काफ़ी खुशी है, एक ही जगह गाड़ी जो है 1.5 महीने से खड़ी थी, तो कब आएगी, पैसा, शुरू में तो सबने बोल दिया था दे देंगे, एंड मोमेंट पर जो है सब फैल गए, सबका नहीं बोलूँगा, एक दो का नहीं बोलूँगा टूट, बाकी सब फैल गए, तो सब निकल जाएगा यार। उन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात ना करते हुए अभी अपन चलते हैं डायरेक्ट सेफिया कॉलेज, वहाँ से इंडिकेटर परचेस करेंगे, देन सुनील की दुकान पर चलेंगे, एंड अपनी कार आज घर लेकर आएंगे। तो अभी चलते हैं इंडिकेटर लेते हैं, सुनील की दुकान पर चलेंगे, गाड़ी कंप्लीट करवाएंगे, वॉश करवाएंगे, देन जो है आज अपन अपनी गाड़ी घर पर लेकर आएंगे। तो चलिए चलते हैं, एंड अच्छे से अच्छी आज की वीडियो आप सभी को बना के दिखाते हैं। तो चलिए One eternity later. वही सीन कुछ ऐसा कि जैसे कि नोनी ने अपने घर पे बोला था कि हिंदुस्तान वाले के यहाँ से अपन को एक चीज परचेस करनी है, वो रही है जो कि अपनी गाड़ी का इंडिकेटर है, तो इंडिकेटर लगवाना है, देन अपनी गाड़ी के ऊपर ये वाली वीडियो थी जिसको अपन को घर लेके आना था, मतलब अपनी गाड़ी को। तो बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं सबसे लास्ट में अपनी गाड़ी खड़ी है, इंडिकेटर लगवाना है, वॉशिंग करवानी है, तो अपनी वीडियो थी जो अपनी कार के ऊपर थी, 3 दिन में शूट हुई है डूड। नोनी के चैनल में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ब्लॉग को जो है 3 दिन लग चुके हैं, तो अपनी गलती नहीं थी, किसी भी चीज़ की गलती नहीं थी, बट कुछ कुछ चीज़ें थी, क्या कर सकते हैं। तो गाड़ी फाइनली अपने घर आ चुकी है, वॉश करवाना है, ये करवाना है, तो ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए, अब मैं खुद थोड़ा बोर हो गया हूँ एक ही चीज़ के ऊपर वीडियो डेली बना बना के, तो फाइनली अपनी गाड़ी आ चुकी है, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, एंड मिलेगा उन्होंने आपसे बहुत ही जल्दी एक और तगड़ी प्यारी और बहुत ही प्यारी वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना और अपनी फैमिली का, सो टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।